गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? देखिए, मैं आपको 12th क्लास की रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 12th बोर्ड जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 16 पादप उत्तक संवर्धन अर्थात प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसे सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं। पादप के उत्तक के संवर्धन को क्या कहा जाता है? शॉर्ट में सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है, ठीक है। वो हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। इससे पहले वाले जो मैंने क्लासे ली है उसका वीडियो आप जरूर देखिए, तभी आपको ये सब समझ में आ पाएगा। अब इधर आप देखिए, हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे, जिन्हें ट्रांसजेनिक पौधे या पराजीनी पादप भी कहा जाता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इन्हें इंग्लिश में ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक पादप भी कहते हैं, या इन्हें पराजीनी पादप भी कहते हैं। पराजीनी मतलब कि ऐसे पादप जिनमें पराजीन डाला गया है, बाहर से जीन निकाल कर डाला गया है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि वाहकों द्वारा जीनों का स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ रसायनों और कुछ उपकरणों के द्वारा भी जीनों का स्थानांतरण किया जाता है। हमने क्या बोला था कि चाहे तो एक जाति के जीन या डीएनए को निकालकर दूसरी जाति के अंदर डाला जा सकता है, और जिस जाति के अंदर ये जीन या डीएनए डाला जाएगा ना, वो जाति रूपांतरित जाति कहलाएगी या ट्रांसजेनिक जाति कहलाएगी या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जाति वो कहलाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ, सबसे अच्छा स्पाइडरमैन मूवी तो आप सभी ने देखी ही होगी। उसके अंदर जो पीटर पार्कर होता है वो बिल्कुल दुर्बल सा लड़का होता है, कोई भी उसके लाते घुसे चांटा दे दुआ के निकल लेता है, बिल्कुल वो होता है, लप्पू झन्ना होता है एकदम पीटर पार्कर उस मूवी के अंदर, ठीक है, बिल्कुल ऐसा दबूसा है ना। अब क्या होता है, सुनो, मतलब कि पीटर पार्कर के जो लक्षण हैं वो कैसे हैं, वो अपन कह सकते हैं अच्छे गुणों वाला नहीं है पीटर पार्कर, लेकिन पीटर पार्कर को मकड़ी काट जाती है, तो मकड़ी का जीन और डीएनए काटने के दौरान पीटर पार्कर के शरीर में चला जाता है, और मकड़ी के जीन के साथ साथ उस मकड़ी के अच्छे गुण भी पीटर पार्कर में चले जाते हैं, तो पीटर पार्कर अब स्पाइडरमैन में बदल जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन एक कैसा ही सुपर हीरो है, स्पाइडरमैन एक अनुवांशिक रूप से रूपांतरित सुपर हीरो है, या अपन क्या कह सकते हैं, वो एक ट्रांसजेनिक सुपर हीरो है, या हम क्या कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन एक कैसा हीरो है, पराजीनी सुपर हीरो है। तो जिस प्रकार से मकड़ी का जीन या डीएनए जाने से एक आम इंसान स्पाइडरमैन में बदल गया, आ रही है बात आपको समझ में, ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर एक पादप के जीन को निकालकर दूसरे पादप में डाला जाता है तो वो दूसरा पादप भी अच्छे गुणों वाला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि पराजीनी या ट्रांसजेनिक या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें अनुवांशिकी अभियांत्रिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, और इनमें बाहरी अच्छे लाभदायक वांछित जीनों या डीएनए खंडों का प्रवेश करवाया जाता है। देखिए अब ध्यानपूर्वक, पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। टमाटर, दुनिया का कोई सा भी जीव या पौधा हो, डीएनए तो सब में पाया ही जाता है ना, अगर उस डीएनए के अंदर हम किसी दूसरे जीव के डीएनए को मिला दें तो एक नया डीएनए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर अपन दो प्रकार के डीएनए का पुनर्योगज कर दे तो जो नया डीएनए बनेगा ना दोनों के मिक्सचर से, वो नया डीएनए क्या कहलाएगा, पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। समझो आप, टमाटर का डीएनए लिया, उसमें आलू का डीएनए मिला दिया, तो एक नया डीएनए बनेगा जिसमें टमाटर के भी गुणधर्म पाए जाएंगे
और आलू के भी गुणधर्म पाए जाएंगे, और ये जो जीन होगा या जो ये डीएनए होगा पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। और इसको जिस विधि से बनाया गया है या जिस तकनीक से बनाया गया है उसे क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा जाता है। अब इधर आप देखिए, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, समझ में आ गया ना, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कि ये वह तकनीक होती है जिससे दो अलग अलग जातियों के डीएनए को मिलाकर एक नए प्रकार का डीएनए बना लिया जाता है, ठीक है ना, ये विधि होती है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा पादपों में नई विशेषताओं का समावेश किया जा सकता है। टमाटर के पादप में आलू का जीन डाल दिया तो टमाटर के पौधे में आलू की विशेषताएं भी उत्पन्न होने लग गई। जैसे आलू मोटे मोटे कड़क कड़क होते हैं ना, वैसे टमाटर भी क्या हो गए, मोटे मोटे कड़क कड़क उत्पन्न होने लग गए, ठीक है। ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं भैया, पढ़ लेना, फिर मत बोलना कि लेख शेखर सर ने बताया नहीं था, ठीक है। ट्रांसजेनिक पादप क्या होते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, अब देखो रटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। ट्रांसजेनिक पादप क्या होते हैं, देखो मैं तो मन से ही बोल रहा हूँ कि ट्रांसजेनिक पादप अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादप होते हैं जिनमें बाहरी जीनों का प्रवेश करवाकर प्राप्त किया जाता है। मतलब कि ट्रांसजेनिक पादप अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादप होते हैं जिन्हें बाहरी जीनों का प्रवेश करवाकर प्राप्त किया जाता है। मतलब कि ट्रांसजेनिक पादपों में, पेड़ों में बाहरी जीन मिले हुए रहते हैं। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा पादपों में नई विशेषताओं का समावेश किया जाता है, नई विशेषताओं को डाला जा रहा है, और ये नई विशेषता किसके द्वारा डाला जा रहा है, जीनों के रूप में डाली जा रही है। जैसे टमाटर का पौधा है, मैं इसमें नई विशेषताएं डालना चाहता हूँ, मैं इसमें आलू की विशेषताएं डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आलू के जीन को निकाल कर इसमें डाल दूंगा, तो इसमें आलू के भी लक्षण उत्पन्न हो गए, मतलब नई विशेषताएं उत्पन्न हो गई। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा पादपों में नई विशेषताओं का समावेश किया जा सकता है, ठीक है। और इस प्रकार के बने नए पादप ही क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। रूपांतरित या ट्रांसजेनिक पादपों को, रूपांतरित या जो ये ट्रांसजेनिक पादप होते हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित जीव भी कहते हैं। जो ये रूपांतरित या जो ये ट्रांसजेनिक पादप बने हैं या जो नए जो पादप बने हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अर्थात जीएमओज भी कहते हैं, ठीक है। रूपांतरित या ट्रांसजेनिक पादपों, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएमओ क्या है, जीएमओ क्या है, जीएमओ की फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली, जेनेटिकली जी मतलब जेनेटिकली, एम मतलब मॉडिफाइड, ओ मतलब ओएस मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कि अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों को ही जीएमओस कहा जाता है, ठीक है। और ये अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादप कैसे बनाए गए हैं, देखो प्रत्येक जीव की एक अनुवांशिक संरचना होती है, प्रत्येक जीव का जो डीएनए पाया जा रहा है ना शरीर में, वो डीएनए ही उसके शरीर की अनुवांशिक संरचना का निर्माण कर रहा है। लेकिन अगर उस डीएनए में कोई बाहरी डीएनए मिला दिया जाए तो जीव की अनुवांशिक संरचना रूपांतरित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। सबसे अच्छा उदाहरण वापिस वही स्पाइडरमैन का, जो पीटर पार्कर था, मतलब जो स्पाइडरमैन था उसका नाम था पीटर पार्कर, उसकी कुछ अनुवांशिक संरचना थी, उसकी अनुवांशिक संरचना डीज डाली थी, बिल्कुल यूं था, चश्मा लगा के अंदाजा आ रही बात आपको समझ में। लेकिन जैसे ही उसमें मकड़ी का डीएनए जुड़ा या मकड़ी का जीन जुड़ा, क्या हो गया भैया, उसकी अनुवांशिक संरचना रूपांतरित हो गई, ठीक है। तो रूपांतरित या ट्रांसजेनिक पादपों को अनुवांशिक रूपांतरित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म अर्थात जीएमओस कहते हैं, ठीक है। अब इधर आप देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक, अब हम आगे पढ़ेंगे कि पराजीनी पादप, जो ये पराजीनी पादप है या जो ये ट्रांसजेनिक पादप है वो किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। तो पराजीनी पादप, ट्रांसजेनिक पादप निम्नलिखित चरणों से प्राप्त किए जाते हैं, निम्नलिखित स्टेप्स के द्वारा हम पराजीनी पादप प्राप्त कर सकते हैं। देखो बिल्कुल सरल है, वही एक जीव का डीएनए या जीन निकालेंगे, वांछित गुणों वाला, वांछित एक जीव का वांछित जीन या वांछित डीएनए खंड निकालकर दूसरे जीव में डाल देंगे, बन गया भैया, बन गया अपना जीएमओस, क्या बन गया जीएमओस, समझो, देखो समझना, देखिए
ये एक पौधा है, ये दूसरा पौधा है, इस पौधे में से जीन निकाला मैंने, ठीक है ना, और इसमें जोड़ दिया। अब ये क्या बन चुका है, ये एक रूपांतरित पादप बन चुका है। इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जीव कहेंगे, या GMOs कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक कि पराजीनी पादप या ट्रांसजेनिक पादप निम्नलिखित चरणों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये चरण कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं, वाहकों का चयन एवं जिन जीनों का स्थानांतरण करना है उन्हें पृथक करना, वाहकों का चयन करते हैं सबसे पहले। तो भैया पराजीनी पादप या ट्रांसजेनिक पादप प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहला चरण है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो है वाहकों का चयन, कि भैया एक जाति के जीन को दूसरी जाति में लेकर कौन जाएगा, ये हिम्मत भरा कार्य कौन करेगा, कौन करेगा ये कार्य, वाहक करेंगे। और वाहक में कौन सा लेना है, तो वाहकों का चयन, ये वाहक कौन होते हैं, कोई जीवाणु या वायरस हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो वाहकों का चयन और जिन जीनों का स्थानांतरण करना है, कि मतलब कौन सा वाला जीन लेना है, प्रोटीन वाला जीन लेना है, प्रोटीन बनाने वाला जीन लेना है, कड़कपन वाला जीन लेना है, कौन सा जीन लेना है, उस जीन को निकाल कर उसका क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरण, जिस जीन का स्थानांतरण करना है उन्हें पृथक करना। अब जैसे टमाटर में जो जीन डाला था ना आलू का, वो था कड़कपन वाला जीन, जिससे टमाटर कड़क हो जाए। अब भैया गलती से कोई दूसरा जीन नहीं डाल सकते हैं, दूसरा जीन डाल दोगे तो जिस तरह की हम स्पेशल फसल प्राप्त करना चाहते हैं, जिस तरह के स्पेशल पौधे प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमें प्राप्त होंगे ही नहीं। आ रही बात आपको समझ में? तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वाहकों अर्थात जीवाणु विषाणु का चयन, वाहक क्या होते हैं, जीवाणु विषाणु होते हैं, वाहकों का चयन, वाहकों का चयन एवं जिन जीनों का स्थानांतरण करना है, हमें जिन भी जीनों का स्थानांतरण करना है उनका, उनको पृथक करना, ठीक है, ठीक है। अब इधर आप देखिए, ये एक आलू का पौधा है, ये एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आलू का पौधा है। और इस आलू के पौधे में बहुत सारे जीन पाए जा रहे हैं, तरह तरह के जीन पाए जा रहे हैं। कुछ जीन क्या होते हैं, जो इसके फल को मजबूत बनाते हैं, कठोर बनाते हैं, कड़क बनाते हैं, और इन्हीं जीनों के कारण आलू लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। ये इसका वांछित जीन ले लिया। वांछित जीन क्या होता है, कोई डीएनए का खंड होता है, क्या होता है, डीएनए का खंड होता है। डीएनए और जीन ही तो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं बच्चों, चाहे वो अच्छे लक्षण हो चाहे वो बुरे लक्षण हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, वाहकों का चयन कर लिया और जिन जीनों का स्थानांतरण करना है उन्हें पृथक कर लिया। इस पौधे में से, इस आलू के पौधे में से हमें जिस भी जीन को किसी दूसरे पौधे में पहुंचाना है, उस जीन का या डीएनए खंड का हमने क्या कर लिया, पृथककरण कर लिया। ये रहा वो जीन, ये रहा, इसको क्या कर लिया हमने, पृथककरण कर लिया, ठीक है। फिर पुनर्युगज प्लाज्मिड का निर्माण व एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण। फिर हम क्या करेंगे, पुनर्युगज प्लाज्मिड का निर्माण करेंगे, क्या करेंगे हम, पुनर्युगज प्लाज्मिड का निर्माण करेंगे व एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण कर देंगे। पुनर्युगज प्लाज्मिड का निर्माण और एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण हम कर देंगे। अब ध्यानपूर्वक समझिए, ये प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, देखो समझो, हमारे शरीर के अंदर, हम मनुष्य है ना, हमारी कोशिकाओं के अंदर, हमारे शरीर की कोशिकाओं में केवल एक ही प्रकार का डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केवल एक ही प्रकार का डीएनए पाया जाता है। लेकिन जो जीवाणु होते हैं उसमें दो प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, एक तो है मुख्य केंद्रकीय डीएनए, ये तो क्या है, मुख्य डीएनए है, ये मुख्य केंद्रकीय डीएनए है। और इस केंद्रकीय डीएनए के अलावा एक वर्ताकार डीएनए भी पाया जाता है। इस केंद्रीय डीएनए के अलावा क्या पाया जाता है बच्चों, पादपों में एक वर्ताकार डीएनए भी पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। अब क्या कर रहे हैं, देखो इस टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया और एक एंजाइम होता है जो डीएनए, ये डीएनए ही है, गोल डीएनए, जो जीवाणुओं में मुख्य डीएनए अर्थात केंद्रकीय डीएनए ही मुख्य डीएनए होता है। तो जो जीवाणुओं में मुख्य या केंद्रकीय डीएनए है, उस डीएनए के अलावा भी एक और वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे ही टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। और जो ये टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड को, ये डीएनए तो है, तो इस टीआई प्लाज्मिड को कुछ एंजाइम होते हैं जो डीएनए को काट छाट सकते हैं।
जिनको क्या बोलते हैं, रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या आणविक केचिया भी कह सकते हैं, आर एंजाइम कहते हैं अपन, शॉर्ट में बोलते हैं आर एंजाइमों द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस टीआई प्लाज्मिड को काट दिया जाता है। ये देखो कट गया, ये काट दिया ना, ये एग्रोबैक्टीरियम का क्या है, टीआई प्लाज्मिड है जिसपे कट लगा दिया हमने, ठीक है, काट दिया इसको, ठीक है, क्यों काटा है वो अब समझ में आएगा। अब इधर आप देखिए, जो ये हमने जिस जीन का स्थानांतरण करना है उस जीन को पृथक किया था ना, इस पृथक किए हुए जीन को यहाँ रख देंगे इसके पास में, ये रहा वांछित जीन या डीएनए का खंड, और फिर इस एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु में से जो प्लाज्मिड निकाला है ना उसमें इस वांछित जीन या डीएनए खंड को जोड़ देंगे। देखो ये जुड़ गया, तो फिर जो नया प्लाज्मिड बन जाएगा, ऐसा प्लाज्मिड बन जाएगा जिसमें प्लाज्मिड का भी भाग है, ठीक है, और उस पौधे का भी जीन है जिसमें से जीन लिया है, तो ये पुनर्योगज डीएनए बन गया। क्या बन गया, ये रूपांतरित, अपन बोल सकते हैं पुनर्योगज प्लाज्मिड बन गया, या अपन बोल सकते हैं रूपांतरित प्लाज्मिड बन गया। अब क्या करेंगे इस रूपांतरित या पुनर्योगज प्लाज्मिड को वापस जीवाणु में डाल देंगे, क्योंकि जीवाणु तो खाली हो गया ना बेचारा, तो अब ये देखो यहाँ पर डाल दिया मैंने वापस जीवाणु के अंदर, तो अब जीवाणु क्या बन गया, रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम में ये रूपांतरित हो चुका है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, पुनर्योगज प्लाज्मिड का निर्माण और एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण, बिल्कुल सरल है। ये क्या है, ये जीवाणु ही क्या है वाहक है, जीवाणु या वायरस भी ले सकते थे। तो सबसे पहले तो क्या हो रहे हैं, वाहकों का चयन कर रहे हैं, और वाहक के रूप में हमने क्या लिया है, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु लिया है, ऐसा होता है बिल्कुल आयताकार, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु लिया है अपन ने वाहक के रूप में, ठीक है, और जिन जीनों का स्थानांतरण करना है उनको पृथक कर लिया। तो ये रहा देखो, इस पीरियड में से अपन ने इस वांछित जीन को पृथक कर लिया। अब इस वांछित जीन को क्या कर दिया, इस एग्रोबैक्टीरियम जो वाहक है ना, ये जो जीवाणु है ना, इस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड से जोड़ दिया। तो अब प्लाज्मिड क्या कहला रहा है, पुनर्योगज प्लाज्मिड कहला रहा है, और इस पुनर्योगज प्लाज्मिड को फिर किसके अंदर डाल दिया, वापस उसी जीवाणु में डाल दिया जिस जीवाणु में से निकाला था। तो अब जीवाणु क्या कहलाएगा, रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु कहलाएगा। फिर रूपांतरित एग्रो, अब तीसरे चरण में या थर्ड स्टेप में क्या होगा, रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम का पादप कोशिका में प्रवेश, कि भैया जिस पादप कोशिका में हमें, या जिस पादप में हमें वांछित जीन को पहुंचाना है उस, देखो तो रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम का पादप कोशिका में प्रवेश, टमाटर की पादप कोशिका में प्रवेश करवा देते हैं आलू के इस वांछित जीन को या वांछित डीएनए खंड को। इधर आप देखिए, तो ये रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम है, ये पादप कोशिकाएं हैं। अब ये रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम किस में प्रवेश कर गया, पादप कोशिका में प्रवेश कर गया, ठीक है ना, और ये जो पादप कोशिका है ये किससे ली गई है, टमाटर के पादप से ली गई है। ये तो एग्जाम्पल है कि टमाटर, चावल भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो ये जो रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम है, इस देखो सबसे पहले तो ये टमाटर का पौधा है, इसमें से कोशिका ले ली, और ये जो रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम है वो इस कोशिका में घुस गई, इस टमाटर के पादप की किस में घुस गई, इस टमाटर के पादप की ये जो कोशिका है ना इसमें घुस गई। तो अब ये कोशिका क्या हो गई, रूपांतरित कोशिका बन गई, क्या बन गई, ये रूपांतरित कोशिका बन गई। अब क्या बोल रहा है, देखो रूपांतरित, क्या बोल रहा है अभी, कि रूपांतरित पादप कोशिका का चयन, संवर्धन एवं पुनर्जनन। अब क्या होगा, ये देखो ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं टमाटर के पादप की, ठीक है। अब इसमें से देखो जो ये कुछ, जो ये लाल लाल जैसी जो कोशिकाएं ना, ये रूपांतरित पादप कोशिकाएं हैं, मतलब इसके अंदर वांछित जीन पाया जा रहा है जो अपन ने एग्रोबैक्टीरियम द्वारा प्रवेश करवाया था, ठीक है ना। तो ये रूपांतरित पादप कोशिका है। अब इस रूपांतरित पादप कोशिका का एक परख नली में माध्यम ले लेंगे, संवर्धन माध्यम, और उस पर संवर्धन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, संवर्धन करवाएंगे। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, कुछ समय पश्चात इधर आप देखिए, इस संवर्धन माध्यम के अंदर मालूम है क्या होगा, कुछ समय पश्चात इस संवर्धन माध्यम में छोटा सा एक पादप उत्पन्न होने लग जाएगा, ठीक है, छोटा सा एक पादप उत्पन्न होगा। फिर क्या होगा, ये पादप बड़ा होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पांचवें चरण में विकसित पराजीनी पादपों में वांछित जीन की अभिव्यक्ति। फिर देखो विकसित पराजीनी पादप, ये कैसा पादप है, ये पराजीनी पादप है, लेकिन ये विकसित नहीं हुआ, लेकिन जब ये विकसित हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये पराजीनी पादप जब क्या हो जाएगा, ये पराजीनी पादप जब अपन कह सकते हैं विकसित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो अब आप इस पीरियड को देखो,
एक तो इस टमाटर को देखो और इस टमाटर को देखो, कैसे हरा भरा मोटे मोटे कड़क कड़क टमाटर इसके ऊपर लग रहे हैं। मतलब कि जो हमारा लक्ष्य था, हम जिस गुण को उत्पन्न करवाना चाहते थे टमाटर के अंदर, वो उत्पन्न हो चुका है। मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले फल लग चुके हैं इसके ऊपर। और अर्थात क्या इससे क्या सिद्ध होता है कि जो वांछित जीन जो हमने डाला था उसकी क्या हो चुकी है, अभिव्यक्ति हो चुकी है। अरे भैया, जैसे स्पाइडरमैन बहुत ताकतवर हो जाता है, बड़े बड़े कारों को उठा के फेंकने लग जाता है, मतलब कि मकड़ी के जीन की अभिव्यक्ति हो चुकी है उसके अंदर। वरना मकड़ियाँ तो मेरी रजाई में खूब घुसी रहती है, खूब काटती है मुझे, मैं क्या स्पाइडरमैन बनिए क्या? मतलब मेरे अंदर जब मकड़ी मुझे काट रही है ना, तो मेरे अंदर कोई जीन की क्या नहीं हो रही है, अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। वरना तो आज आपके मास्टर जी भी स्पाइडरमैन बन के जाले छोड़ते फिरते यहाँ पे, है ना। तो इधर आप देखो मेरी ध्यानपूर्वक, तो आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अनुवांशिक रूपांतरित पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इन्हें ट्रांसजेनिक पादप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं, ठीक है। और पराजीनी पादप क्या होते हैं? अनुवांशिक रूपांतरित पौधे कह लो, ट्रांसजेनिक पौधे कह लो, या पादप कह लो, या चाहे पराजीनी पादप कह लो, बात एक ही है। पराजीनी पादप वह हैं जिनमें भारी जीनों को डाला गया है, ठीक है। ट्रांसजेनिक पादप को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रूपांतरित जीव भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? GMOs कहते हैं, अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये जो पराजीनी पादप या जो ट्रांसजेनिक पादप है, निम्नलिखित चरणों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले वाहकों का चयन एवं जिन जीनों का स्थानांतरण करना है उन्हें पृथक करना, ठीक है। पादप में से देखो, अपन ने वांछित जीन को पृथक कर लिया, जैसे आलू में से कड़क वाले, कड़कपन प्रदान करने वाले जीन या DNA खंड को पृथक कर लिया। फिर क्या कर रहे हैं? वाहकों का चयन कर रहे हैं। तो ये ले लिया अपन ने वाहक, और पुनर्योगज प्लाज्मिड का निर्माण कर दिया, और एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण कर दिया। मतलब कि जो ये वाहक लिया है ना, जो जीवाणु लिया है, इसमें एक वर्ताकार DNA होता है, मुख्य DNA या केंद्र की DNA के अलावा एक वर्ताकार DNA होता है। इसके वर्ताकार DNA को अपन ने आर एंजाइम से काटा, तो ये कट लग गया यहाँ पर। इस कटे हुए भाग में अपन ने वांछित जीन या DNA खंड को जोड़ दिया, मतलब आलू के DNA खंड को या जीन को जोड़ दिया, जो इसको कड़कपन प्रदान करता है, ठीक है। फिर ये एक नया प्लाज्मिड बन गया, देखिए, जिसमें आलू का भी जीन फिट है और खुद प्लाज्मिड का भी जीन फिट है, ठीक है। तो ये पुनर्योगज प्लाज्मिड है, ठीक है। और इस पुनर्योगज प्लाज्मिड को जब वापस जीवाणु में डाला, तो जीवाणु पूरा का पूरा ही क्या हो गया? रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु में परिवर्तित हो गया। फिर क्या हुआ? रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम का टमाटर की पादप कोशिका में या किसी भी पादप कोशिका में प्रवेश करवाया, तो रूपांतरित पादप कोशिकाएं प्राप्त हो गई। फिर रूपांतरित पादप कोशिकाओं में भी क्या होता है? कुछ कोशिकाएं रूपांतरित होती है, कुछ रूपांतरित नहीं होती है। तो एक ढेर है ये टमाटर की पादप कोशिकाओं का। अब इनमें से जो जो रूपांतरित पादप कोशिकाएं उन्हें पृथक कर लिया, उनका एक परख नली में संवर्धन माध्यम पर संवर्धन करवाया, तो क्या हुआ? इससे छोटे छोटे पादप उत्पन्न हुए। क्या हुए? छोटे छोटे पादप उत्पन्न हुए। फिर ये पादप विकसित हुए, तो विकसित पादपों में क्या देखा गया कि जो हमारा उद्देश्य था वो हमें प्राप्त हो गया। मतलब कि जो जीन हम डालना चाहते थे वो इसमें आ चुका है, और जीन की अभिव्यक्ति हो चुकी है, और जीन की अभिव्यक्ति के कारण ही अच्छी गुणवत्ता वाले फल लग रहे हैं पौधे के अंदर। तो आई होप आपको अनुवांशिक रूपांतरित पौधे, ट्रांसजेनिक पौधे या पराजीनी पादप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं डियर बच्चों, ठीक है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।